यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। भारत टूरिस्ट बस सर्विस के संचालक वीरेंद्र पाल सिंह के मेरठ के साकेत स्थित आवास पर डकैती डालने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस डकैती में कुल 7 अपराधी शामिल हुए थे। इनमें से 5 बदमाश गंगानगर इलाके के ही हैं। गिरफ्तार बदमाशों में जितेंद्र यादव F94, नीशु मकान संख्या F117, गौरव शर्मा 193 आई ब्लॉक गंगानगर, आदित्य पुत्र नरेंद्र निवासी 660 एफ ब्लॉक गंगानगर मेरठ के अलावा आसिफ पुर साबिर निवासी आजाद नगर गजरौला शामिल हैं, जबकि रिजवान गजरौला अभी फरार बताया जा रहा है। 12 जून की सुबह बदमाशों ने मेरठ साकेत में पुलिस चौकी से कुछ ही दूर स्थित वीरेंद्र पाल सिंह के घर को निशाना बनाया था। बदमाश करीब 25 तोले के सोने के जेवर, चांदी व 80,000 रुपये लूट कर ले गए थे। घर में अकेले बुजुर्गों की सूचना पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आज एसपी सिटी विनीत भटनागर ने यह जानकारी दी। 12 जून की घटना है ये, और साकेत में एक काफ़ी जो है पॉश लोकेलिटी है, वहाँ पर शाम के समय कुछ बदमाश घुसे, 4 बदमाश घर के अंदर घुसे थे और 3 लोग जो वहाँ पर बुजुर्ग लोग मौजूद थे उनके साथ में जो है उन्होंने लूटपाट की घटना करी। उनको एक कमरे के अंदर बंद किया और साथ में फिर उनका काफ़ी सामान लूट करके ले गए। इसमें पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सभी इसका घटना का अनावरण करने में, सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करने में, एक मुलजिम केवल शेष रह गया है, और लगभग 90% सामान की बरामदगी करने में सफलता प्राप्त करी है। और ये जो घटना जो धारा 392 में लिखी गई थी, क्योंकि घटना के समय 4 व्यक्ति केवल मौके पर थे, बाद में इसमें जानकारी में आया कि इसमें 7 व्यक्ति इसमें संबद्ध रहे, 2 व्यक्ति जो और थे जिनको जो कि बाहर रुके हुए थे, एक गेट के बाहर था और एक अलग था, साथ में एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास में बाद में कुछ काफ़ी सामान की बरामदगी हुई है, तो उन सभी के विरुद्ध जो है अभियोग में जो है कार्रवाई की जा रही है, विवेचना की जा रही है और घटना का पूरी तरह से खुलासा हो गया है। एक रिजवान नाम का मुलजिम जो इसमें अभी शेष बचा हुआ है उसकी गिरफ्तारी की टीमें इस समय भी हमारे टीमें गई हुई है, किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी और उसके पास जो थोड़ा सामान उसकी बरामदगी हो सकती है। सर, इसका मुख्य मास्टरमाइंड कौन था और किस तरीके से घटना? घटनास्थल के पास रहने वाला एक जितेंद्र यादव नाम का व्यक्ति जो पहले से आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है, उसके पिताजी और उसका परिवार वहां पर रहता था, इसके चचेरे भाई जो वादी हैं उनके घर पर और उनके पास में आसपास के मकानों पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। इसको ये अंदाज़ा हुआ कि यहां पर बुजुर्ग लोग रहते हैं, घर काफ़ी बड़ा है, अगर इसमें कुछ घटना करेंगे तो इनको ये संभावना थी कि पैसे मिल जाएंगे और ज़्यादा विरोध भी नहीं होगा क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं। इसीलिए इसने साजिश रची, इसने अपने साथियों नीशु और रोहित के माध्यम से गजरौला के 2 अपराधियों को बुलवाया और साथ ही लोकल कुछ और साथी थे उनकी मदद से इस घटना को अंजाम दिया है। देखिए, अभी तक इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी हुई है वो जितेंद्र की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और रिजवान की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। बाकी जो अपराधी हैं उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी की जा रही है, अभी तक हमको और क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी नहीं हुई क्योंकि समय कम था, तो हम इसमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में और चीज़ें डेवलप करेंगे और इन सब एंगल्स को भी देखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।